Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hello students. My name is Jagdish Prasad. और मेरा जो है GPS MATHMAGIX के नाम से स्टूडेंट्स चैनल है। अगर आप 10th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर दें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 11, -8। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के लिए वाई इज इक्वल टू होता है ज़ीरो, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे एक्स कॉमा ज़ीरो ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ये हो गया एक्स ज़ीरो और एक पॉइंट दिया है 11, -8 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 17 यूनिट्स। तो बस स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूले यानी 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये x2 y2 हो गया और ये हमारा x1 y1 हो गया, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 11 - x का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 289 और यहाँ पर आएगा 11 - x का होल स्क्वायर और ये -8 का होल स्क्वायर। तो 289 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 64। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 289, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 185 एक्स स्क्वायर -22x। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -22x -104 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो 26 × 4 होंगे, तो एक्स स्क्वायर -26x प्लस 4x -104 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो x -24 और f 4 कॉमन ले लिया तो x -24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x -26 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू -4 आएगी और x की वैल्यू 26 आएगी। तो अब ये स्टूडेंट्स जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो x कॉमा 0 था, तो ये आ जाएगा 26, 0 और -4, 0। ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर होगा, जो कि x की दो वैल्यूज आई हैं, तो या तो ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा, तो इसके डबल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि अ पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 4, 3। कह रहा कि एक पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई, जो इस कॉमा 4, 3 से ये स्टूडेंट्स √10 यूनिट्स पर, इतने यूनिट की डिस्टेंस पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट कहलाता है वाई एक्सिस, तो ये कंडीशन है कि वाई इज इक्वल टू 2x। तो एक इक्वेशन ये बनी है, तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी उसमें वाई की वैल्यू हम 2x पुट करके एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि √10 इज इक्वल टू ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 - x का होल स्क्वायर प्लस x2 y2
और ये हो गया 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्टूडेंट्स दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा टेन इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 2x, तो आसान हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू 2x इसमें पुट कर दीजिए, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x। तो अब 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दो तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस जो है 25, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 से स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 3 बन जाए 3, तो 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया स्टूडेंट्स एक्स, एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस 1 और एक हो गया एक्स माइनस 3। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 1 आ गई और एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि देखिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 देन वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस इक्वेशन में वैल्यू रखना है वाई इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब ये हो जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 देन वाई इज इक्वल टू कितना 6, तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट आ गए 1, 2 और 3, 6, तो ये दो आंसर होंगे इसके 1, 2 और 3, 6, तो ये स्टूडेंट्स आंसर हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिए पी और ये Q और ये R, P की वैल्यू माइनस 5, x, Q की वैल्यू y, 7 और R की वैल्यू 1, -3। अब स्टूडेंट्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो ये स्टूडेंट्स का मिड पॉइंट हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, y, 7 है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू x1 + x2 / 2, तो x की वैल्यू y है और x1 क्या है -5 + 1/2, ये आ गया स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -4/2, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू इसमें आएगी -2। अब इसके बाद जो है y इज इक्वल टू क्या है y1 + y2/2, अब y की वैल्यू कितनी दी गई स्टूडेंट 7, ये हो जाएगा x -3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 14 + 3, तो ये हो गया कितना 17, तो बस ये आंसर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू -2।